डिफेंस पेंशनर को अपना पेंशन का रूल्स एंड रेगुलेशन का बेसिक जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। इस बात को सोचकर एक इनिशिएटिव लिया गया कि आपका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का ज़रूरत है वो एक जगह पर मिले। देखिए, आज इंटरनेट की दुनिया में ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है, पर वो कहाँ पर मिलेगा, कहाँ ढूंढना है, इतना जानकारी सबके पास आवश्यक है रहना, पर है नहीं। इस चीज़ को हमने फील किया, एक्सपीरियंस किया, और अब इस आर्टिकल में जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये ESM Info का आपका एक आर्टिकल है जहाँ पे जितने भी डिफेंस का रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको ज़रूरत है वो सभी एक जगह पे लाया गया। और यहाँ क्लिक करके आप कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू डिफेंस पेंशन आप पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अब तक का जो भी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और आगे भी जो भी अपडेट्स होगा वो यहाँ पर हम इंक्लूड करते रहेंगे। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है और क्या नहीं है। चलते हैं सीधा वेबसाइट पे। देखिए, ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में हमने पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये सभी PDF फॉर्मेट में है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इस आर्टिकल को बुकमार्क करके रख सकते हैं आपका डिवाइस में, चाहे कंप्यूटर हो या आपका फ़ोन हो या टैबलेट हो। देखिए, सबसे ज़रूरी जो रेगुलेशंस है जो कि आपको हमेशा ज़रूरत पड़ता है वो है पेंशन रेगुलेशंस। पेंशन रेगुलेशंस सबके लिए अलग है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स सभी के लिए अलग अलग है। सबसे पहले देख सकते हैं पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी Part 1, ये 2008 का है, ये आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। जहाँ पे डिफेंस पेंशन का रिलेटेड, चाहे वो फैमिली पेंशन हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन हो, वार इंजरी पेंशन हो, कोई भी पेंशन किसी तरह का, सभी पेंशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको ये दोनों ही पार्ट में मिलेगा डिफेंस पेंशन का। ठीक है, ये दोनों पार्ट है। और तीसरा है पेंशन रेगुलेशन फॉर द एयरफोर्स Part 1, 1960 का है, जो कि बाद में बहुत सारे इसका जो चेंजेस आया हुआ है वो आपको आर्मी रेगुलेशंस में मिल जाएगा। पेंशन रेगुलेशंस लगभग सभी बड़ा भरा है, इंडियन आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो। ठीक है, ये रेगुलेशंस देखिए नेवी का भी है, 1960 का है, एयरफोर्स का दो रेगुलेशंस है, 1964 का है नेवी का। ठीक है, ये सभी रेगुलेशंस आपको यहाँ पे मिलता है। देखिए, ये डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इस डाउनलोड लिंक में क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं डिफेंस पेंशन गाइड बाय PCDA पेंशन। देखिए, रेगुलेशंस में जो चीज़ दिया रहता है, हो सकता है कि हर चीज़ आसानी से समझ में नहीं आता हो, तो इसीलिए इसको आसान लैंग्वेज में PCDA पेंशन का एक इनिशिएटिव है, इन्होंने एक गाइड बनाया है कि जो रेगुलेशंस का जो प्रोविज़न है इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, इसका ग्राउंड लेवल में कैसे इम्प्लीमेंट हो, ये है PCDA पेंशन का। इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी के लिए इसमें जो है प्रोविजन्स दिया गया। ठीक है, और GMO ER 2023, इसके बारे में आप जानते हैं कि डिफेंस पेंशन का जो डिसेबिलिटी पेंशन है एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, ये जो GMO ER 2008 में जो था उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाया गया 2023 में, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि कोई चेंजेस नहीं है, पर एक्चुअल में ऑन ग्राउंड में देखा जाए तो बहुत बड़ा चेंजेस आया हुआ है। खास करके जो पूरा सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा चेंजेस है। ठीक है, ये चेंजेस आपको इसमें मिलेगा, और इसके हिसाब से आप अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है पेंशन मिलने में, डिफेंस पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन मिलने में, तो इसको पढ़ करके आप जानकारी रख सकते हैं और इस हिसाब से आप कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू NPS। देखिए, मैक्सिमम जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, जो लोग अभी सर्विस कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो है कवर्ड अंडर NPS। ठीक है, तो NPS का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो अभी 2021 में डिटेल में एक सेंट्रल सिविल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021 ये बनाया गया, जिसके तहत आपका पेंशन NPS में कैसे रेगुलेट होगा वो सारी चीज़ें डिटेल में जाएगा। इसका जानकारी भी रहना ज़रूरी है आप अगर कहीं गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है CCS पेंशन रूल 1972। अगर आप 2004 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन किए हो या फिर किसी सेंट्रल सर्विस में ज्वाइन किए हो स्टेट सर्विस में, तो आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 इसका भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और
इसी तरह का, जैसे कि आपने देखा था CDA पेंशन ने एक गाइडबुक निकाला था, इस तरह इसका भी एक गाइडबुक है, हैंडबुक है, फैमिली पेंशन CCS पेंशन रूल्स 1972, ये CPAO का द्वारा बनाया गया है, ये भी रखना ज़रूरी है। इसमें डिटेल में क्लैरिफाइड नॉर्म्स में सभी चीज़ें दिया गया, तो ये चीज़ आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। देखिए ये एक बेसिक कुछ रूल्स था, इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी अभी आपका टाइम टू टाइम निकाल रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, सभी रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें हम अपडेट करते रहेंगे, जैसे कि टाइम टू टाइम पब्लिश होते रहेंगे, आपको यहाँ पे मिलते जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का इम्पॉर्टेंट जानकारी। इसी तरह का इम्पॉर्टेंट जो जानकारी है आपको हमेशा इस चैनल पर मिलता रहेगा। उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे, और ESM इन्फो क्लब और सैनिक क्लब.com ये दोनों ही वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।